than 100% desi ghee, purity tested by gas chromatography, Madhusudan dahi, UHT milk and chaat. अब नागरीन गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की, सबसे पहले नजर डालेंगे सबसे खबरें तफसील के साथ। ट्रांसपोर्ट वजीर सतीश शर्मा, वजीर आला के सियासी मुंशी नासिर इस्लाम वानी और एमएलए वेडिबल तनवीर सादिक ने रेनावारी गौरपुरा में आके जिद्दी से मुतासर अफराद से मुलाकात की। गुजशा रोज रेनावारी गौरपुरा में आग लगने का वाकया पेश आया था, जिसमें तकरीबन 6 मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुए और लाखों माली नुकसान भी देखने को मिला। मुझे अफसोस है जितना नुकसान हुआ है, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, ये तो कुछ बचा ही नहीं उन लोगों का। और चलो ऊपर वाले का शुक्र है कि कुछ जान बच गई, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है। अभी जो हमें सीएम साहब का इमीडिएटली, मेरा तो प्रोग्राम था जम्मू में, मुझे सीएम साहब का, संदीप साहब का और सुगामी साहब का हुक्म हुआ, मैं वो कैंसिल करके इमीडिएटली यहाँ पहुँचा। और जैसा कि बताया कि 1,30,000 का इनको परिवार के चेक मिल चुके हैं, SDRF के तहत 20,000 रेडक्रॉस की तरफ से, और 1,00,000 रुपये पर फैमिली सीएम साहब अपनी तरफ से उन्होंने अनाउंस कर दिया है। और मेरे डिपार्टमेंट के हवाले से मैं 3 महीने का राशन इनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आज शाम से इनको मिलना शुरू हो जाएगा बाद दोपहर। और एक एक चूल्हा, एक एक गैस सिलेंडर, और जो लोगों को ट्रांसपोर्टेशन करनी है उनके लिए हम फ्री ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त करेंगे जब तक भी सेटल ना हो जाए। प्लस जो इनकी डिमांड यहाँ से आई है, सुगामी साहब ने जैसे बोला कि अगर आल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो जाए, कहीं प्लॉट इनको मिल जाए थोड़े थोड़े रहने के लिए, तो वो डिस्कस करने वाली बात है, उसका भी अरेंजमेंट करेंगे, एटलीस्ट यहाँ से निकले। और दुआ करते हैं कि इनको हिम्मत मिले, हम इस दुख की घड़ी में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, हम सब इनके साथ शामिल हैं और कोशिश करें कि देश में नो पॉलिटिक्स हो, सिर्फ इनके दर्द में हम शरीक होने आए। पहले तो मैं अफसोस करता हूँ इन सब फैमिलीज के साथ, ये कोई 26 फैमिलीज है जिनके पूरे आशियाना जल गए हैं। कल जो ही ये वारदात हुई, मैं यहाँ आया, इनके साथ इजहार यकजहती का मुजाहरा किया, और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ सीएम साहब का, जिन्हें जो ही ये सुना, हमारे सतीश जी हैं जो मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट और फूड एंड सप्लाईज हैं, और हमारे एडवाइजर साहब हैं, उनको इमीडिएटली जम्मू से अभी भेजा, अभी कैबिनेट मीटिंग है इनकी, लेकिन उसके बावजूद ये पहले यहाँ आए पूरा एसेस करने के लिए जो सिचुएशन है, और अनाउंसमेंट करने के लिए कि हर एक फैमिली में 1,00,000 रुपया दिया जाएगा, जो कल SDRF के तहत 1,30,000 रुपया दिया जाएगा, और जो कल 20,000 दिया, उसके अलावा जो इनकी रिहेबिलिटेशन का है उसके ऊपर भी हम करेंगे। PDF का मेरा जून ही रिलीज होगा, उसमें से भी मैं इनको कुछ फंड्स दे दूंगा, ताकि थोड़ा सा इनका रिहेबिलिटेशन हो, इनके यूटेंसिल्स, इनके टैंक, ये सब कुछ अरेंजमेंट हुए हैं। कोशिश करेंगे कि इनको, एक चीज इनको मैं आपके वसादत से बोलना चाहता हूँ कि हम सब लोग, ये पूरी गवर्नमेंट, ये पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस इनके साथ खड़ी है इस तानिया में, और इनको हर कोई चीज प्रोवाइड करेंगे जो ये चाहते हैं। अभी अभी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर्सनली भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से अभी मैंने अनाउंस किया ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके बाद भी आज या कल में हम ऑन गोइंग है, इनको हम अलग नहीं रखेंगे, इनको हम हर कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो रोड सेफ्टी भी चल रहा है, एक बार अवेयरनेस माँ बाप को चाहिए, आजकल बच्चों को, हमारे टाइम तो तंगी होती थी, हमें तो ये चीज़ें मुहैया नहीं कराई जाती थी, लेकिन उनको अवेयर रहना, सिविल सोसाइटी जब तक नहीं जाती थी, उनको एथिक्स और मॉरल जो वैल्यूज हैं इंक्रिएट करने की जरूरत है, और रोड सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। अफसोस तो बड़ा है हमें उन बच्चों का, अब फ्यूचर में ऐसा ना हो। मेंबर असेंबली हल्का इंतखाब रामन एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू ने जिला रामन के ब्लॉक गांधरी के मुख्तलिफ पंचायतों का दौरा करके लोगों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ अवामी मसाइल सुने और लोगों को यकीन दिलाया कि अवाम के दरपेश मुश्किलात को तरजीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी अवाम के हकूक की पामाली कर रही है और अनकरीबन इनका भी हिसाब लिया जाएगा।
ये आज जो हमारा तंजीमी ब्लॉक है और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी है, गांधरी ब्लॉक है मेरा, गांधरी ब्लॉक का आज एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम था, अभी गांधरी से स्टार्ट किया हमने, पंचायत गांधरी से, इसके बाद कबड्डी में फिर उसके बटनी और दुश्मन तक जो है हम शाम तक, ये मेरा पूरा कम्प्लीट दौरा रहेगा। और दौरे का मकसद तो आप जानते ही हैं कि दौरा का मकसद होता क्या है, लोगों से मिलना है, लोगों की मुश्किलात जानना है, और कुछ जो है मुश्किलातों का वहीं हम अजाला कर रहे हैं, कुछ इनकी जो है रेजोल्यूशन ले रहे हैं, कोई दरखास्त है, तो ये पब्लिक आउटरीच जिसको कहें आप, उस सिलसिले में कि मेरा गांधी ब्लॉक का दौरा था, जीतने के बाद आज पहला दौरा था। आपने सही कहा कि अभी तक जो है हम जो हमारे बुनियादी इश्यूज हैं वो जस्ट के तस्ट बने हुए हैं, चाहे वो बिजली से रिलेटेड है, चाहे वो पानी से है, चाहे हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात करें, चाहे हम स्कूल की बात करें, हर जगह वही रोना जो मुझसे पहले वाले MLA के पास बात होती थी या उससे पहले वालों की वही है, तो लेकिन उसमें कोई ज्यादा इम्प्रूवमेंट नजर नहीं है यहाँ में। तो मैं एक आपको यकीन दिला सकता हूँ अपने लोगों को और एक उनके साथ मेरा एक कमिटमेंट है, ईमानदार कमिटमेंट ये है कि कोशिश ईमानदारी तरीके से हम करेंगे इनकी जिंदगी में सहूलियत लाने की, इनकी जो मुश्किलात हैं उनको थोड़ा सा कम करने की कोशिश जरूर करूंगा ईमानदारी से, जहां तक हमारी पहुंच है, जहां तक हम जिस फोरम तक बात हो। ऑफिशियल्स को मैंने कहा ना, मैं किसी इंडिविजुअल को मैं पिनपॉइंट नहीं करूंगा, बट एक पूरा सेटअप ऐसा बना हुआ था, एक इकोसिस्टम तैयार ऐसा हो गया था पिछले 5-6 साल में, ब्यूरोक्रेटिक इकोसिस्टम, जहां पर अफसर को लगता था कि मैं यहां का हाकिम हूं, मेरे में उनको एक देखिए ना, जब हुकूमत कोई थी नहीं, मन मर्जियां चल रही थी, किसी आप देखेंगे ब्यूरोक्रेटों ने ISO ने 3-3, 4-4 कोठियां मिस्रों की बैठे हुए हैं, अभी तक नहीं निकल रहे हैं, कोई किसी ने कहीं कुछ किया है, किसी का पोस्टिंग कहीं है, तो एक IAS की जो है लॉबी जो है इस तरीके से हावी हो चुकी है जम्मू कश्मीर पे, अभी तक उनको जो है वो हैंगओवर जो है ना, वो 2019 के बाद का हैंगओवर जो है उनको नहीं निकल रहा है, और वही गलत रिपोर्टें भी दिल्ली में कर रहे हैं कि जनाब यहाँ बिल्कुल खराब है, हमारे पास ही रखी पावर। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और उन अफसरान को भी एक मेरा रिक्वेस्ट भी है और एक हिदायत भी है कि मेहरबानी करके जनता के जज्बातों के साथ खेली मत, जनता का मैंडेट है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए और इनकी जो है सेवा कीजिए, ये ज्यादा देर तक ये सिस्टम चलेगा नहीं, और अगर कोई चलाने की कोशिश करेगा तो उसका नतीजा भी ठीक नहीं होगा। तो कलेक्टिव क्या है जनाब, ये तो काफी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है हम सब के लिए, पूरे रामबन की नहीं, मैं इसको जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, ये जम्मू कश्मीर की और रामबन की कायाकल्प कर सकता है, लेकिन न जाने किस सियासत का और किसकी नजर इसको लगी है कि ये हर बार जो है कभी ये अदालत में फंस जाता है, कभी इसको कोई इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का मसला है, कभी इसमें फाइनेंस का इश्यूज आते हैं, तो इतने सारे इसमें इश्यूज इन्वॉल्व हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरा अभी यहाँ का जो चीफ है NHPC का, उससे मेरी मुलाकात हुई है और आगे मैंने उनको बुलाया भी है कि एक मुझे आप एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन दीजिए कि आखिर इसमें बॉटलनेक्स है कहाँ, इसमें मामला फंसा हुआ है, हम टेकअप करेंगे अपनी गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इसका मैटर को टेकअप करेंगे और उसको जल्द शुरू कराने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ के जो नौजवान जो है। काबीना वजीर जावेद राणा ने खनन मंडी के अपने दौरे के दौरान डेली वेजरों और SPOs के मुतालबात पर बात करते हुए कहा कि हुकूमत उनके मसाइल को संजीदगी से ले रही है और उनके मुतालबात जल्द पूर्ण किए जाएंगे। वजीर ने वादा किया कि हुकूमत अवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम कर रही है और अवामी खिदमात में बेहतरी लाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे। जो लेफ्ट और हमारे बच्चे जो काम कर रहे थे इसकी वजह से ऑनलाइन नहीं हो पाए, उनकी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के नोटिस में ये सब चीजें हैं। एक सरकार वादाबंद है हर आदमी को रोजगार देने के लिए और उमर अब्दुल्ला साहब की क्यादत में एक नई पॉलिसी बन रही है जिसमें हम डेली वेजेस और हमारे जो कैजुअल लेबर ये लोग काम करते रहे पिछले काफी अरसे से, इनको रेगुलराइज करने के लिए एक सरकार के सामने एक पॉलिसी है और जल्दी इंशाल्लाह ताला इससे हम कोई फाइनल एक इशू है, क्योंकि यहाँ 5 साल कोई प्रॉपर पॉपुलर सरकार नहीं रही है, 2014 के बाद इलेक्शन हुए 10 साल के बाद अभी सरकार बनी है, अभी सरकार को एक महीना और कुछ। डोडा में सफाई के कर्मचारियों की तरफ से काम छोड़ो हड़ताल जारी है। गुजिस्तान रोड सफाई कर्मचारियों ने डोडा म्यूनिसिपल काउंसिल दफ्तर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कमरे में कचरा फेंका था। आज भी उन्होंने कचरा फेंकने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 सफाई कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। इसी पर मजीद तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे।
पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ जिला डोडा के अंदर भी हम देख रहे हैं कि काम छोड़ हड़ताल जो है सफाई कर्मचारी कर रहे हैं, यानी कि डेली वेजर्स कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम जिला डोडा की भी बात करें, लगभग आज 10वां दिन है, जिला डोडा के अंदर भी काम छोड़ हड़ताल लगातार जारी है। आज के दिन के हवाले से हम बात करें, आज पुलिस ने लगभग 3 से 4 लोगों को डिटेन किया है, यानी कि जो काम छोड़ हड़ताल सफाई कर्मचारी हैं उनकी तरफ से म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर प्रोटेस्ट किया जा रहा था और काम छोड़ हड़ताल लगातार जारी थी। आज सफाई कर्मचारी जो डेली वेजर्स हैं उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर फिर से एक बार कूड़ा फेंका, और जहां पे कल भी इन लोगों ने कूड़ा फेंका था और एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको हिदायत की थी कि इस तरह की वायलेशन मत आप दीजिए, आज जब इन लोगों ने कूड़ा फेंका उसके बाद SHO उनके साथ साथ तहसीलदार और कुछ सीनियर ऑफिसर भी वहां पे मौजूद थे, जहां पे उनने कूड़ा साफ करने की कोशिश की और सफाई कर्मचारियों ने वहां पे शोर शराबा किया और लगभग 3 से 4 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं पुलिस स्टेशन डोडा, और उनके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे वही सफाई कर्मचारी हैं जो लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि इनके साथ जिला डोडा के सारे लोग हैं, जो इनकी मांगे हैं वो जायज डिमांडे हैं, मगर अभी तक जो वक्त की सरकार है इनकी बात नहीं सुनी गई है, इनके साथ कोई बातचीत नहीं की गई है। और इनका ये मानना है कि जो भी चीज़ होगी वो राइटिंग में हमें दे दीजिए, हम इस स्ट्राइक को आगे लेके जाएंगे, यानी कि स्ट्राइक को ये लोग सस्पेंड भी कर सकते हैं, मगर हमें जो भी डिमांड्स हमारी हैं, हम टाइम देते हैं सरकार को, हमारी जो भी डिमांड्स हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करें, आज पुलिस ने फिलहाल इन लोगों को 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, वो अभी पुलिस स्टेशन डोडा में है। उनके साथ जो सारे लोग थे, यानी कि जो 30-35 लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे अपनी जायज डिमांडों को लेकर, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे तहसीलदार डोडा है, SHO डोडा है, उनके साथ सीनियर ऑफिसर भी कुछ हैं, वो बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, जिन लोगों को फिलहाल यहाँ पे डिटेन किया गया है। देखना होगा कि बीच का रास्ता क्या निकलता है और इन लोगों की बात कहाँ तक पहुँची। और काबीना वजीर सकीना इत्तू ने हाल ही में ये ऐलान किया था कि हुकूमत नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करेगी और इस पर काम भी शुरू कर दिया गया। तहम हालिया दिनों में एक सर्कुलर भी जारी हुआ जिसमें हिंदी और संस्कृत के महकमे के लिए कोई भी पोस्ट नहीं रखी गई। इस फैसले के बाद हिंदी और संस्कृत के तलबा में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और उन्होंने खामोश एहतजाज का आगाज किया। तलबा ने मुतालबा किया कि हुकूमत उनके हकूक का तहफ्फुज करे और उन्हें भी रोजगार के मौके दिए जाए। उन्होंने इंसाफ की फरहमी के लिए आवाज बुलंद की और अपने हकूक के लिए हुकूमत से फौरी कार्रवाई की दरख्वास्त की। ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ तो इस समय पे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक हम देखें 575 पोस्टों में से लगभग सभी सब्जेक्ट्स में पोस्ट हैं, पर एक संस्कृत और हिंदी एक ऐसा सबसे ज्यादा प्रचलित सब्जेक्ट होने के बावजूद भी उसमें एक भी पोस्ट नहीं दिखाई दे रही है, ना ही आगे JKBSC को रेफर करी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है, क्योंकि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेजेस जम्मू कश्मीर में, सबसे ज्यादा प्रचलित लैंग्वेज लगभग जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली लैंग्वेज हिंदी ही है, और इसी लैंग्वेज में एक ही पोस्ट ना होना एक बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है। क्योंकि अगर आज इस समय पे इस पोस्ट में आगे रिक्रूटमेंट नहीं होंगी तो कल को पढ़ाएगा कौन? अगर पढ़ाने वाले नहीं होंगे तो पढ़ने वाले नहीं होंगे। अगर आज के समय पे जितने भी स्कॉलर हैं वो इन सभी चीजों के माध्यम से डिमोटिवेट होते हैं तो वो आगे आने वाली जनरेशन को भी यही कहेंगे कि आप इन सब्जेक्ट्स में तो कम से कम आगे ना जाएं। जैसे हम जाते तो 575 जब हमने पोस्ट देखी तो हम भी खुश थे, लेकिन जब कल सर्कुलर देखा उसमें हमारा जो सब्जेक्ट जैसे मैं सोच कर रही हूँ हिंदी नहीं तो एक भी पोस्ट नहीं है, तो हम डिमोटिवेट, हम इतने 5-5-4 साल लगा रहे हैं। पहला तो बंदा यही करता है कि हमारा पहला यही गोल है कि हम जॉब करेंगे, तो हमारे लिए रोजगार के अवसर ही खत्म कर दिए हैं। हम क्या करेंगे, हम आने वाले जो बच्चे हैं हम उनको क्या मैसेज देंगे? एक बात तो यह है कि हमारी जो भाषा हिंदी है, हम कहीं बाहर भी जाएंगे हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, तो जो हमारी जो यूपी है तो हमारे साथ क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आएगी मतलब क्या हो गया। अगर पोस्ट 10-20-15 थोड़ी तो होनी चाहिए, 4-5 ही होती, नहीं एक भी पोस्ट नहीं है हिंदी की। एक तरफ आप UN में हिंदी को बढ़ावा देने की बात करते हो, आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप चाइना में हिंदी पढ़ाई जाती है, फिजी सुरिनाम ये बहुत सारे हैं जहाँ पे आप हिंदी सम्मेलन में आप जाते हो, फिजी में हुआ हिंदी सम्मेलन पहले, वहाँ आप गए, आपने बस चढ़ कर बोला हम हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, देश में नहीं विदेशों में भी दे रहे हैं। और देश क्या, आप अपने UT में देखो क्या हाल है, हिंदी को आप बाहर बढ़ावा दे रहे हो लेकिन अपने घर में ही हिंदी के साथ भेदभाव हो रहा है, ये आप भी देख रहे हैं। अगर हमारी नई सुनवाई होगी
तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे और हमारे पास कोई चारा नहीं है और हम क्या कर सकते हैं। 8 साल के बाद ये पोस्टें निकाली गई, 8 साल के बाद पोस्टें निकाली गई। जब हम पूछने गए वहाँ पे कि हिंदी की पोस्ट नहीं है, उन्होंने बोला वेट कर लो नेक्स्ट टाइम निकलेगी। अब नेक्स्ट टाइम उन्होंने ये नहीं बताया कब है नेक्स्ट टाइम, वो 8 साल के बाद ही हो सकता है नेक्स्ट टाइम फिर से, यानी कि 16 साल हो गए। अनंतनाग में जंगलात मंडी से मेहंदी कदल तक शदीद ट्रैफिक जाम की सूरत हाल से लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने कहा कि ट्रैफिक जाम की वजह से न सिर्फ आम आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बल्कि एम्बुलेंस और इमरजेंसी खिदमात भी मुतासिर हो रही हैं, जिससे मरीजों के इलाज में ताखीर होती है। ड्राइवर्स और मकामी लोगों ने हुकाम से मुतालबा किया कि उन गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। गुजारिश कर क्योंकि इस पर गोडे जो कदम इस पर तुल्व कदम सारे गाड़ी इस गरीबस तड़ अमीरस ताड़ी अच्छी सारी बुत चलान कंसि गाड़ी मे शाम रोपस ओस सत हथ आ बचस पांच हथ आ बचस बैक ड्राइवर हाई ये मे बचो पंद शेथ मे चुना मालिक सुबह छुट्टी कर रोजगार आवारा गाड़ सारे आवारा गाड़ी वन आवारा करें ये अत मे बदनाम बदनाम बुस अत मदनाम बुत अगर ये नतन अगर बुत जाम फस अत सोम खबर यह आवा लाल चौक पे हाँ कत पे हाँ गंजवार पे हाँ यपर आव शब्बीर अहमद है। मैं साउथ कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और साथ साथ मैं हमदानी सोमू सिंह का प्रेसिडेंट भी हूँ। जो जामू का मेन काज रहता है, एक टाइम में डीसी साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव उठाया था यहाँ पे, जिसके लिए मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले एक इनिशिएटिव डीसी साहब ने जो उठाया था कि जो मेन जामू जो होती थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ पेशेंटों को जो बीमार होते हैं उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उसका एक रीजन ये था कि जो ट्रैफिक जाम मेहंदी कदल से लेकर जंगरात मंडी तक होती थी उसका मेन काज था यही, जो गाड़ियों का एक फ्लो आता है जिससे ट्रैफिक कंडीशन बढ़ जाती है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। जो वायलू से कुकरनाग से तकरीबन 300-400 गाड़ियां और खासकर चित्रगुल से जो आवारा गाड़ियां हैं, जिनको उन्होंने तकरीबन 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 हजार रुपया पकड़ के उन वहाँ के जो प्रेजिडेंट्स हैं उन सिटीनों के आवारा गाड़ियों को उन्होंने जगह दी है पैसों के बहाने, और वही गाड़ियां डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आके ट्रैफिक कंजेशन करती है। हम चाहते हैं, मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पहला इंस्टीट्यूट उठाया था आपने मेहरबानी करके। पुलवामा के बाबरा के रहायशियों ने काकपोरा से सुपया तक नए रेलवे लाइन की तजवीज के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना है कि इस लाइन की तामीर से उनकी जमीन मकाना और बागात मुतासिर होंगे, जिससे उनके रोजगार की सूरत हाल पर भी असर पड़ेगा। मकानी लोगों ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस तजवीज को वापस ले। आपकी गुलिस्तान चैनल जो सबसे पहले जहाँ पर जब यहाँ से एहतजाज हुआ था आप सबसे पहले पहुंच गए, इसके लिए आप मुबारकबाजी के मुस्तहिक है। हमारे गाँव में जो भी जमीन थी 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CSIR फार्म के लिए वो ले ली। अब थोड़ी जमीन रही, जो भी हमारी जमीन थी हमारे लोग जो है जो उसी फार्म में मजदूरी 300-400 रुपए पर करते हैं। अब थोड़ी जमीन जो बची थी वो ये बागात वाली जमीन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं हम हर किसी को रोजगार देंगे, हम इसके खिलाफ रेलवे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन ये नहीं है कि ठेका हमारे ही गाँव ने ले लिया है कि CSR की जमीन जो हम ही नहीं देगी। अब जो रेलवे आ गई यहाँ एल बना दिया गया, तो पहले सीधी लाइन लगाई फिर ऊपर लगाई सोनसांडी की तरफ, तो एल लगा के यहाँ की तमाम जमीन जो है बागाती है खत्म कर दी गई है। क्योंकि अब ये प्रपोजल है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ जो रेलवे है उससे पुरजोर अपील करते हैं रिलीव करें। रेलवे वाले निशान सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ ड्रोन वन ये ओर हथ फुट जमीन तान निशान खजर अच्छे जमीन ये बबारस अगर तुम रिकॉर्ड तुम वो बबारस मे कुल जमीन तरह सारे बाकी जमीन से सेंट्रल गवर्नमेंट आलरेडी CSIR अच्छे सोरे जमीन गुम तूर वन अच्छे जमीन जनाल कनाल कनाल हिस्सा अस पे गुजार कर रात अथ रुक निशान ये गोरे जमीन अस तुल अच्छा गवर्नमेंटस गुजारिश यह कर अवॉइड यप नी तो डी साइडस कुन कहीं क्या ये साइटस डी सी बस्ती तक नुकसान मे आज ये बरदर अमेमस अख मरल जमीन अमे बगैर बचान कहीं अस मे बसान यु टी रस्त आंगन तो अस मे पोच कुछ जोर जिना जमीन बी कुछ हेथ जमीन
یہ ٹرین زمینس پہ چلان روزگار امس سوری شی کنال زمین شنوے کنال زمین اتھ مزہ مرکزی سرکار دت ٹور پھٹ نشان یت مزن اہ مکان تھی باغات تھی مان ٹھ یت مزن اڑین گھان دون جائن ترین جائن تھی مان ٹھن یہ ہان بس مگر اتھ نکان ون بس کہین پتن کے مختلف علاقوں میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے نام پر بنائی گئی عمارتیں اب تک استعمال نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے ان کی خستہ حالی ہو چکی ہے. پاتیپورہ میں بھی اسپتال کے لیے ایک عمارت بنائی گئی تھی مگر آج تک اس کا استعمال نہیں کیا گیا جس سے عمارت کی حالت خراب ہو گئی. اسی پر مقامی لوگوں نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ ان عمارتوں کو جلد از جلد استعمال میں لایا جائے. اہس پکن پی گھن اہس چار پی گھن اگر یت اتن اہس بروٹ کن آپ سل ٹیر سل ٹیر بیمار گھان یہ پہ مران یوتان تتر واتن توتان مران تو اگر لحاظ کیسا کرو مہربانی اتھ گھس مثال پیار سنبھال امی موجود ونان پکہ سے بلڈنگ یت گا یت وری بنائمت یہ شیر کھن اہس یہ مشکل زبردست گھان زنہ مہنو سل ٹیر بچہ نوز اونا اس کا ڈاکٹر نے شیرک نے سنبھالک نے تروک دتی آج دہن ورین ہند یت گئی دہ وری اتھے کن یوروینا کرمت اپیل کر گورمنٹس یت کرین کام یہ شیرین یہ سنبھالین سیود ات تھن ڈاکٹر کھانا زائیں پوچھ زن زائ تو وچس یہ کتہ خستہ حال گمت ات مز خالی ہون آسان راتس دہس یہ کور یم رپی گن زائ گورمنٹ رپی گن زائ اس کر اپیل ہم دپان تیت تو شیت یہ سیتن یہ نت کت سبیل تیل تھو زمین بیکار کرن اپیل کر دپان اتنی شیر تو سنبھال تو یہ اتھ تھو ڈاکٹر کھانا اس زبردست مشکل گھان اسپتال یہ گئی واری وری یہ کرنا یہ نفر تم یور لکھت وچ فوٹو ووٹو تلت مگر یتن یہ برہ کن امونی کھا تو یہ سختی اہس وقت تک گاڑی تین بنان وس واتا آرام رس کھنڈ یس پن لفٹ یہ سب بیس پہ پھر سہ سو مران اڑ وتہ وہ کیا کرو ریتر پورا میر پورا اور کھیلنا کی عوام نے گزشتہ 10 سالوں سے نظر انداز کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا. عوام نے کہا کہ انہیں پانی کی شدید کمی ہے جس کے بعد انہوں نے خود سے کاروائی کی. انہوں نے خود سے ہی پائپ لائن اپنے گھر تک بچھائے تاکہ پانی ان کے گھروں تک پہنچ سکے. لوگوں نے کہا کہ حکومتی وعدے اور امیدیں جھوٹی ثابت ہوئیں اور غریبوں کا حق دبایا گیا. عوام نے ڈپٹی کمشنر ڈوڈا اور ایس ڈی ایم چھاتری سے مطالبہ کیا ہے کہ اس پر فوری کاروائی کریں. وزیراعظم نریندر مودی نے مہاراشٹرا اور جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات میں ووٹروں سے جمہوریت کے اس تہوار پر اپنے گھروں سے باہر نکل کر جوش و خروش سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کی. وزیراعظم مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مہاراشٹر کے ووٹروں پر زور دیتے ہوئے پوسٹ کیا کہ مہاراشٹرا اسمبلی انتخابات میں آج تمام سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے اور وہ ریاست کے ووٹروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیں اور جمہوریت کے جشن کی رونق میں اضافہ کریں. اس موقع پر تمام نوجوان اور خواتین ووٹرز سے جوش طریقے سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کی. ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے جھارکھنڈ کے ووٹروں کے لیے لکھا کہ آج جھارکھنڈ میں جمہوریت کے عظیم تہوار کا دوسرا اور آخری مرحلہ ہے اور تمام ووٹروں سے اپیل انہوں نے کی کہ وہ اس میں جوش و خروش سے حصہ لیں اور ووٹ کا نیا ریکارڈ بنائے. اس موقع پر انہوں نے تمام نوجوانوں سے خاص طور پر پہلی بار ووٹ ڈالنے جانے والے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کی. انہوں نے کہا کہ ہر ووٹ ریاست کی طاقت ہے. مہاراشٹر کے 288 اسمبلی سیٹوں پر جھارکھنڈ کی اسمبلی سیٹوں کے لیے آج ووٹنگ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اتر پردیش کی 9 اسمبلی سیٹوں پنجاب کی 4 اور کیرلا اور اتراکھنڈ کی 1 سیٹ کے ساتھ ساتھ مہاراشٹر کے 99 لوک سبھا سیٹ پر بھی زمین انتخابات کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے. تو چلو اس سے خبر نامے میں اتنا ہی. ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور آپ بنے رہے گلستان کے.